बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 10th चैप्टर एंड किया था। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 11। 11 में दो एक्सरसाइजेज हैं। 11A एक्सरसाइज हमने नहीं करनी, स्टार्ट करते हैं हम 11B। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये ज्योमेट्रिकल चैप्टर है आपका। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम हमने करना है कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है जिसकी लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर। आप अपना स्केल लेंगे, ज्योमेट्री वाला स्केल, ठीक है, जिस पे मेजरमेंट्स होती हैं। इस तरह से एक साइड से सेंटीमीटर राइट किया गया होगा और एक साइड से मीटर। मीटर आपने सेंटीमीटर वाली जो साइड है वो ले लेनी है, वहाँ से आपने लाइन लगानी है 4.8 सेंटीमीटर की, और स्केल को उठाए बगैर आपने 4.8 सेंटीमीटर का हाफ होगा आपके पास 2.4 पे आपने डॉट ले लेना है, ठीक है। 4.8 की लाइन लेंगे और स्केल को आपने उठाना नहीं है 2.4, यानी उसके मिड पे आपने एक डॉट ले लेना है। इस लाइन को आपने नेम दे देना है ए और बी का, कोई और नेम भी दे सकते हैं। फिर है बाइसेक्ट, इसको हमने काटना है इट यूजिंग रूलर, अपने स्केल को यूज़ करते हुए एंड कंपास, और अपनी प्रकार या कंपास को यूज़ करेंगे हम, और इसे दो हिस्सों में काट देंगे हम। एंड मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, और हर साइड जो बनेगी उसकी हमने लेंथ को मेजर कर देना है। अब ये आपने काम कैसे करना है, जब आपने हाफ से हाफ पे आपने पॉइंट लिया है, अब आपने अपनी कंपास को हाफ से, ये हाफ है ना, ठीक है, इससे थोड़ा सा आपने ज़्यादा ओपन करना है, और उसकी लेंथ मैंने राइट कर दी है। आपने मोर देन हाफ जो करना है वो 3 सेंटीमीटर, हाफ इसका है 2.7 ले लें, 2.9 ले लें, लेकिन मैंने लिया है 3 सेंटीमीटर। आपने अपनी कंपास 3 सेंटीमीटर की ओपन करनी है। एक बार आप बी पे इस तरह रखेंगे प्रकार, इस तरह से ऊपर और नीचे ऐसे आर्क लगा देंगे, ठीक है। फिर आपने इसको छेड़ना नहीं है, जितनी खुली थी उतनी ही खुली रहे। इसी तरह आपने इसे ए पे रखना है, सेम वही काम नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ करना है, कुछ इस तरह से ये शक्ल बनेगी। जब ये एक दूसरे को कट कर जाएंगे, आपने स्केल के साथ इसी तरह एक लाइन मैच कर देनी है जो इसके कटिंग पॉइंट से गुजरे और जो हमने पॉइंट लगाया था मिड में उसको भी टच करे, और इस लाइन को आपने नेम दे देना है सी और डी का, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो हो चुका है। अब आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके राइट करने हैं। तो सबसे पहला काम हमने किया था ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी, कितनी लेंथ थी 4.8 सेंटीमीटर की, तो आपने लिख दिया ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने मिड पे डॉट लिया था और हमने अपनी कंपास ओपन की थी मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा की कंपास। फिर हम कहेंगे ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ ए बी, किसके हाफ से ज़्यादा, ए बी के हाफ से ज़्यादा हमने अपनी कंपास जो है वो ओपन कर ली, और कितनी ओपन की थी 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद हमने एक बार ए को मिड पॉइंट रखा था, ऊपर नीचे आर्क लगाए थे, दूसरी बार बी को मिड पॉइंट रखा था और ऊपर नीचे आर्क लगाए थे, ठीक है। यही हम लिखेंगे एट पॉइंट ए इन सेंटर ड्रा टू आर्क अबव एंड बिलो, सेम वही प्रोसीजर, जस्ट यहाँ पे बी आएगा एट पॉइंट बी इन सेंटर ड्रा टू आर्क अबव एंड बिलो। आर्क ए आर सी आर्क, कॉस लगाने को कहते हैं, ये जो हमने कंपास से लगाई हैं ये आर्क हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने सी और डी को मिला दिया था, तो ज्वाइन सी टू डी, तो सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद हमने फाइंड करना था लेंथ ऑफ ईच पार्ट, तो हमने इतने पार्ट की लेंथ जो है वो फाइंड की, तो हमारे पास 2.4 आई थी, क्योंकि हाफ के बराबर आएगी, ये सारे हाफ के बराबर आएंगे, तो 2.4 हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेम काम हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करना है, लेकिन वहाँ लेंथ चेंज दी हुई है हमें लाइन की, कि ड्रा ए बी ऑफ लेंथ 5.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारे पास था 4.8 सेंटीमीटर, और इसका हाफ था हमारे पास 2.4, इसका हाफ होगा 2.6, ठीक है। हमने एक लाइन लगानी है 5.2 सेंटीमीटर की, वही मिड पे डॉट ले लेंगे, और हाफ इसका हो जाएगा 2.6, यानी 2.6 पे डॉट हो जाएगा। फिर हमने हाफ से ज़्यादा
कंपास ऊपर करनी है, एक बार ए पे रख के ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे अबव एंड बिलो, एक बार बी पे रख के अबव एंड बिलो आर्क लगाएंगे, फिर हम इसे ज्वाइन कर देंगे। सी टू डी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और हमने इसकी लेंथ जो है वो बता देंगे कि हर पार्ट की लेंथ कितनी आई है। सेम वही काम किया है हमने, हाफ से ज़्यादा पर कार खोलनी है, और हाफ से ज़्यादा इसमें मैंने बता दिया, इसमें भी हमने 3 सेंटीमीटर ही खोलनी है। तो सबसे पहले हम इसके भी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लाइन ड्रा की थी, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी कितने सेंटीमीटर की, 5.2 सेंटीमीटर की। फिर हमने ओपन कंपास की थी मोर देन हाफ, ए बी कितनी ली थी, 3 सेंटीमीटर हमने कर ली थी, क्योंकि 2.6 आता है इसका हाफ, उससे ज़्यादा ओपन करेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर हमने ए पॉइंट को सेंटर लिया था, 2 आर्क ड्रा किए थे अबव एंड बिलो। उसके बाद हमने बी पॉइंट को सेंटर लिया था, 2 आर्क ड्रा किए थे अबव एंड बिलो। फिर हमने सी और डी को ज्वाइन कर दिया था, जब ज्वाइन किया था तो सी और डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ ईच पार्ट हाफ के सेम आएगी, तो हाफ 5.2 का जब 2 पे डिवाइड इसे करेंगे तो 2.6 इसका हाफ आएगा, 2.6 5.2 का हाफ, ठीक है। तो हर पार्ट की जो लेंथ है वो 2.6 होगी। थर्ड जो क्वेश्चन है वो उसमें एक काम डिफरेंट है ये वाला, बाकी तकरीबन सेम है। इसमें भी आपने ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6.4, सेम आपने एक लाइन लेनी है 6.4 सेंटीमीटर की, 6.4 का हाफ होगा 3.2, ठीक है। 3.2 पे आपने डॉट ले लेना है, 3.2 पे। अब यहाँ से यहाँ तक भी 3.2 है, यहाँ से यहाँ तक भी 3.2 है, 3.2 का दोबारा से आपने हाफ पे डॉट ले लेना है, 3.2 का हाफ फिर क्या होगा, 1.6, यानी कि 1.6 पे फिर से डॉट ले लेना है आपने, ठीक है। अब ये जो हमने आर्क लगाने हैं ये लाइन ख़त्म कर देंगे हम, ये वाला सेंटर पॉइंट, एक बार L पे हमने रखनी है अपनी कंपास, 1.6 से ज़्यादा लेंगे और आर्क लगा लेंगे ऊपर नीचे, एक बार A पे रखेंगे और 1.6 से ज़्यादा का आर्क लगा देंगे। C और D इसे हम मिला देंगे और इसका मिड पॉइंट M हो जाएगा। फिर हमने 6.4, जैसे हमने पहले ड्रा की है लाइन 6.4, इसका हाफ था 3.2, 3.2 से ज़्यादा हमने अपनी प्रकार ओपन की 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर आपने बी पे रख के ऊपर नीचे आर्क लगाने हैं, इसी तरह आपने ए पे रख के ऊपर नीचे आर्क लगाने हैं, ठीक है। फिर आपने इसको मैच करना है और इसको नेम दे देने हैं एक्स और वाई के, और इसका बीच वाला पॉइंट एल हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना था बाइसेक्ट परपेंडिकुलर, यहाँ तक इसको इसके देखे बगैर देखें, बाकी सारा काम वही है। उसके बाद है मार्क द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन बाय एल, जहाँ बाइसेक्ट किया है बाइसेक्शन पॉइंट को आपने मार्क करना है एल के साथ, इसलिए हमने एल राइट कर दिया। उसके बाद है नाउ बाइसेक्ट ए एल, अब हमारे पास जो ए एल लाइन बनी है उसे हमने दोबारा बाइसेक्ट करना है, मीन्स अब ये वाला पार्ट आपका ख़त्म हो गया, अब ए एल को दोबारा उसी मेथड से आपने बाइसेक्ट करना है। तो ए एल हमारे पास तकरीबन लाइन बनी थी 3.2 की, फिर हमने 3.2 का हाफ ले लिया 1.6 पे डॉट लेके। अब 1.6 से आपने ज़्यादा जो है ए एल की लेंथ होगी 3.2, हमने इसका हाफ 1.6 था 2 सेंटीमीटर, 1.6 से थोड़ी ज़्यादा ऊपर कार जो है हम कंपास जो है ओपन करेंगे, 2 सेंटीमीटर कर ली, एक बार एल पे रख के हमने ऊपर नीचे आर्क लगाए, एक बार ए पे रख के ऊपर नीचे आर्क लगाए, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया किससे, एम से, बाइसेक्ट ए एल, ए एल बाइसेक्ट हो चुका है परपेंडिकुलर एट एम, पॉइंट हमने दे देना है एम, और ये नाम हम खुद ही देंगे सी और डी, मैयर ए एम। अब आपने ए एम को मैयर करना है, तो ए एल हमारे पास 2 था, तो ए एम हमारे पास 1.6 होगा। अब हम इसके पॉइंट्स ड्रा करते हैं, यहाँ तक सेम आएंगे, यहाँ तक देखें, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी 6.4 सेंटीमीटर, जस्ट मेयरमेंट्स चेंज होंगी। फिर ओपन कंपास मोर देन हाफ ऑफ ए बी 4 सेंटीमीटर, मेयरमेंट्स चेंज हैं। फिर एट पॉइंट ए एंड बी, मैंने इन दोनों पॉइंट को एक ही जगह राइट कर दिया, ए एंड बी, ड्रा 2 आर्क्स विच कट एट पॉइंट एक्स एंड वाई, कहाँ उन्होंने कट किया, एक्स और वाई पे,
फिर एक्स वाई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक्स वाई क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, लेंथ ऑफ ए एल, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा ए एल को भी हमने बाइसेक्ट करना है, क्वेश्चन में है हमारे, ए एल की लेंथ है हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर, इसी तरह हमने इसके मिड पे भी डॉट लेना है, इसका मिड होगा 1.6, फिर ओपन कंपास मोर देन हाफ ऑफ ए एल, 1.6 से ज़्यादा हमने खोलनी थी अपनी कंपास 2 सेंटीमीटर, फिर एट पॉइंट ए एंड एल, यही दोनों पॉइंट हैं लेकिन ये ए बी में है वो ए एल में है, तो ए एल के लिए हमने अपनी कंपास जो है वो ओपन की और अबव एंड बिलो आर्क लगाए, मोर देन हाफ हमने ओपन की थी 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर हमने सी और डी को ज्वाइन किया था, ज्वाइन सी टू डी, सी और डी जो थे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, फिर हमने किसकी लेंथ फाइंड करनी थी, ए एम की, तो लेंथ ऑफ ए एम हमारे पास आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। बस इस चैप्टर में से हमने यही करना है और नेक्स्ट लेक्चर जब होगा इंशाल्लाह हम इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, इसे बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेना है, इसमें छोटा छोटा काम है लेकिन है इजी, बस प्रैक्टिस से ही आपका ये होगा सॉल्व, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा प्रिपेयर होगा, अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।